जैसे कि हमने देखा है इसके आज ये लास्ट पार्ट है द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का द टी फ्रॉम असम बाय अनूप कुमार दत्ता। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़े थे द बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड पार्ट पढ़े थे बुर्स कुर्स का और टी फ्रॉम असम हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। टी फ्रॉम असम में जो है दिया गया है टी के बारे में अनूप कुमार दत्ता बताते हैं इसका प्रजनन कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका इम्पोर्टेंस क्या है टी के बारे में। टी तो बहुत लोग इंडिया में तो खास करके पीते ही हैं और इंडिया में नहीं और वर्ल्ड में भी इसका उपयोग होता है टी का, चाय का। और चाय और चीनी दो सब जो है चीनी सब कहते हैं कि चीन से आया है और वहाँ पे जो अराउंड 250 BC से वो चाय जो है वहाँ पर पीते आ रहे हैं और इंडिया में तो इसकी सुबह और शाम टी से ही होती है, शुरुआत होती है सुबह से अंत होता है हर एक इंडिया के हर एक घर में शाम से। तो टी फ्रॉम असम जो है एक चैप्टर है अनूप कुमार दत्ता के द्वारा। इसमें बताए हैं दो दोस्त है प्रांजल और राजवीर, ट्रेन का सफ़र है, गर्मी की छुट्टियां हैं तो वो दोनों जो है जा रहे हैं असम। प्रांजल जो है असम में ही पड़ा बड़ा है और राजवीर गांव से असम जा रहा है। दोनों दोस्त ट्रेन में है और वो दोनों इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान कर रहे हैं और प्रांजल का जो वो जो है बुक पढ़ रहा है उसका हैबिट है उसका बुक पढ़ना और राजवीर भी बुक पढ़ता है लेकिन राजवीर तो हरा भरा जो जैसे ट्रेन खलिहानों से जा रही है खेतों से जा रही है तो वो हरी भरी चीज़ को देख के एक्साइटेड होता है राजवीर। प्रांजल जो है स्टडी करता है क्योंकि वो तो असम में जो है परा बड़ा है वहाँ पर उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं होता लेकिन राजवीर को जो हरी भरी सीनरी जो ट्रेन के बाहर नहीं दिखते हैं जो हरी भरी पेड़ पौधे जाते हैं गुजरते हैं तो उसको देख के एक्साइटेड होता है। और जो है राजवीर जो है रिसर्च करता है टी के ऊपर और जो है बताता है अपने दोस्त प्रांजल को कि कैसे टी की उत्पत्ति हुई। तो वो पहले बताता है कि एक चाइनीज इम्पेरर जो है घर में जो है ओल्ड फैशन का पहले घर होता था, पहले वो जो है गैस ये सब नहीं होता था, पहले वो लकड़ी पे ही जो है चाय अथी ये गर्म करते थे पानी को, वो गर्म कर रहे थे पानी को तो उसमें जो है चाय की पत्ती जो है एक लीफ आके गिरता है तो उसको नहीं पता रहता है कि चाय की पत्ती है तो वो फ्लेवर डिलीशियस हो जाता है। तो वहाँ से जो है एक चाय की उत्पत्ति हुई, ये तो हुआ चाइनीज का जो हुआ कि ये प्रोवाइड किया कि ये जो है चाय जो है चीन से हुआ। अब एक इंडियन एम्पायर के द्वारा प्रांजल बताता है सॉरी राजवीर बताता है प्रांजल को तो प्रांजल जो है एक्साइटेड हो जाता है और जानने के लिए बताओ कि अगर तुम रिसर्च कर रहे हो तो बताओ। तो वो राजवीर जो है बताता है कि जो है इंडिया में जो संत थे बुद्धिस्ट थे वहाँ पे जो है ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे तो वहाँ पे ध्यान मुद्रा में बैठते बैठते नींद आ जाती है तो एक लीफ जो है गर्म पानी में आके गिरता है वो भी पानी जो है डिलीशियस बन जाता है जो वो पीते हैं तो नींद खुल जाता है उनका, ध्यान से होते होते नींद में आ जाते हैं। तो जो है जब हम चाय की ताजगी लेते हैं तो ताजगी आ जाती है, नींद से हम उठ जाते हैं। तो इंडिया में भी और भी देश में जो चाय पीते हैं तो हम कैसे मतलब कि अगर थके हुए हारे हुए आते हैं घर पे चाय पीते हैं तो ताजगी एक महसूस होता है। तो और जो बाज़ार में जो है टाटा टी और भी फिर सोल्ड किए जाते हैं चाय के जो उसका जो अलग अलग नेम है चाय पत्ती के। और फिर जैसे प्रांजल और राजवीर ट्रेन के सफ़र में जा रहे हैं मस्ती से दोनों अपने इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान कर रहे हैं चाय की उत्पत्ति और उसका इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं। वहीं भी अनूप कुमार दत्ता चाय का जो उत्पत्ति है इंडिया में जो उत्पत्ति हुआ कैसे उत्पत्ति हुआ और इसका इम्पोर्टेंस चाय की क्या इम्पोर्टेंस है उसको बताते हैं। और तो राजीव प्रांजल असम पहुँच चुके हैं, उसके पापा जो है एक टी गार्डन के मैनेजर हैं वहाँ पे वेट कर रहे हैं राजीव और प्रांजल का और घर में दोनों को ले जाते हैं अपने घर। प्रांजल राजवीर जो है प्रांजल के घर जाता है।
पहुंचता है घर उसके प्रांजोल के, तो खाना खिलाने के बाद अच्छा से सत्कार होने के बाद प्रांजोल के पापा जो है टी गार्डन में ले जाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे चाय की उत्पत्ति होती है, तो वो राजवीर और जानना चाहता है, एक्साइटेड है, और प्रांजोल उतना एक्साइटेड नहीं है क्योंकि वहीं पर वो जो है बर्थ हुआ है उसका, और उसका जो है वो देखा है कैसे टी की उत्पत्ति होता है। तो प्रांजोल उतना एक्साइटेड नहीं है, लेकिन राजवीर ज़्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए कि चाय की उत्पत्ति कैसे होती है। तो वो बोलते हैं कि चाय के बारे में कि चाय के दो फ्लेवर्स होते हैं, एक जो है स्ट्रॉन्ग, उससे जो स्ट्रॉन्ग टी बनता है जब उस में हम उबालते हैं गर्म पानी में, तो एक अच्छा ब्राउनिश रेड होता है। जो स्ट्रॉन्ग टी पीना पसंद करते हैं तो वो लीफ को पसंद करते हैं। और जो एक जो है अप्रैल टू फरवरी टू अप्रैल में जो उसका चाय का फर्स्ट फ्लैश का जो उत्पत्ति होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जब हम उसको उबालते हैं तो। लेकिन जो बिना स्ट्रॉन्ग टी, जो बिना इमेच्योर लीफ का जो चाय पत्ती पीना पसंद करते हैं तो वो भी पसंद करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग टी है और उसका जो सीज़न है समर टू टिल मानसून तक, जो मानसून होता है तो उसकी लीफ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे जो है अच्छा जो है चाय उससे बनता है स्ट्रॉन्ग टी, जिसे हम पी के ताजगी का अनुभव करते हैं उस लीफ को पीने के लिए जो मैच्योर लीफ है उसका। और फिर जो वहाँ पे जो असम में हम देखे होंगे फिल्म असम में देखे होंगे कि कैसे उसका सीन दिखाया जाता है कि कैसे एक बाबू का बास्केट से लीफ को चुनते हैं और जो है मार्केट में सोल्ड किए जाते हैं। तो अंत में यही कहते हैं अनूप कुमार दत्ता कि कैसे सोल्ड किया जाता है लीफ को चुनते हैं, वहाँ के जो फार्मर जो होते हैं असम में जो है लीफ को चुनते हैं और लीफ को जो है बेचते हैं, फिर उसको सोल्ड करते हैं, फिर चाय पत्ती तैयार होती है, फैक्ट्री में जाती है चाय पत्ती तैयार होती है और जो है बाज़ार में बेचा जाता है चाय को। सब इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी चाय के सब शौकीन हैं, और कोई तो दूध चाय दोनों शौकीन है, कोई दूध पीता है तो कोई चाय पीता है, लेकिन मतलब कि 80 करोड़ लोग दुनिया में चाय के बहुत शौकीन हैं और चाय पीते हैं शौकीन से। और इंडिया में तो सुबह ही चाय से होता है और शाम के वक्त भी चाय ज़रूरी होती है। तो चाय की इम्पोर्टेंस और चाय के बारे में बताते हैं, तो राजीव ये सब बात सुनकर एक्साइटेड होता है। वो भी अपना जो रिसर्च कर रहा है चाय के ऊपर वो बताता है राजवीर प्रांजोल के पापा को, और जो है प्रांजोल के पापा उसको सुनकर एक्साइट होते हैं कि बच्चा को अच्छा ज्ञान है चाय के ऊपर। तो ये इंड होता है और अनूप कुमार दत्ता जो है चाय के बारे में बताते हैं चाय का इम्पोर्टेंस, चाय की उत्पत्ति। तो ये थी मेरा लास्ट चैप्टर टी फ्रॉम आसाम। तो ये फर्स्ट पार्ट दो बताए थे हम, बेकर फ्रॉम गोवा था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट था कुर्ग जो कि कर्नाटक में स्थित है, थर्ड पार्ट है मेरा लास्ट का टी फ्रॉम आसाम। तो इंक्लूड होता है पोए स्टोरी द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। थैंक यू।